हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वन। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 10। नेम ऑफ चैप्टर इज सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर है, और उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स में से आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लियस क्या काम करता है सेल के अंदर, इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट Which performs the specific function within the cell. तो हमारे सेल के अंदर जो है छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। Therefore, the cell organelle is also called as organs of cell. तो सेल ऑर्गेनेल को organs of cell भी कहा जाता है। हमारे सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स है। हर एक सेल ऑर्गेनेल्स एक अलग अलग तरह का फंक्शन हमारे सेल के अंदर परफॉर्म करता है। तो बच्चों, ईच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ओन लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। हर एक सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और वो मेम्ब्रेन बनता है लिपिड्स और प्रोटीन से। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। एक्सेप्ट द न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को अगर हमें देखना है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देंगी। लेकिन न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट जो है इसको हम हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। जो आपने ऑनियन पील की स्लाइड देखी होगी लेबोरेटरी के अंदर, उसमें भी हमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो बच्चों, हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कैन बी सीन लाइक दिस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो है वो दो मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। दिस वन इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को सराउंड करता है, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स अ स्मॉल पोर्स एंड दिस पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, पोर यानी कि छेद होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर अलाउज द पैसेज फॉर द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर से कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आता है। तो ये मटेरियल का आवागमन जो होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होता है। तो न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो है साइटोप्लाज्म के तरह ही फ्लूइड मटेरियल होता है, एंड दैट फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है हमारे सेल के अंदर, उसी तरह फ्लूइड मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वन राउंडेड बॉडी इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, उसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो इस तरह के फाइबर्स जो है नेटवर्क, फाइबर का नेटवर्क हमें दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। द क्रोमेटिन फाइबर्स आर अ थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन दिस क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोजोम्स, एंड वी नो दैट द क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोजोम्स जो है वो डीएनए से बने हुए, तो डीएनए से बने हुए क्रोमोजोम्स जो है वो सिर्फ सेल डिविजन के दौरान ही हमें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दिखाई देते हैं। एंड द सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए
इज कॉल्ड एज जीन्स। तो जीन्स जो है वो डीएनए के ऊपर होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, एंड जीन्स कंट्रोल्स द वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब पढ़ेंगे बच्चों, ये तो हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर पोर होता है उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी राउंडेड बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। तो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो डीकंडेंस होता है सेल डिवीजन के बाद और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स आर द क्रोमोसोम्स इन अ डीकंडेंस फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? द न्यूक्लियस इज कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ सेल। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसी तरह न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उन्हें कंट्रोल करता है, इसीलिए न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल। तो पहला फंक्शन देखिए, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन। तो सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सभी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और सेल डिवीजन भी है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है जिसकी वजह से सेल की संख्या बढ़ती है। सेकंड फंक्शन इज दैट इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर हेरिडिटरी यूनिट जो है वो जीन्स होता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब जो है कुछ सेल जो होते हैं बच्चों, उन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें हम देखेंगे आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। लेकिन अडल्ट आरबीसी जो है, जब आरबीसी तैयार होते हैं बोन मैरो के अंदर, तो इमेच्योर आरबीसी उनमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आरबीसी जो है वो अडल्ट होती है बढ़ती है, तो इसमें से न्यूक्लियस लॉस्ट होता है। तो न्यूक्लियस क्यों लॉस्ट होता है बच्चों? क्योंकि आरबीसी का फंक्शन है टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से हमारे शरीर के हर एक हिस्से को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम आरबीसी करता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होगा उतना ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। इसकी वजह से आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस की जगह खाली होती है और उस जगह में हीमोग्लोबिन ज्यादा जो है वो ऑक्यूपाई होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी की बढ़ती है। और प्लांट सेल के अंदर जो होता है सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब के अंदर दो सीव ट्यूब मैच्योर होने के बाद उसमें से जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाता है। और न्यूक्लियस डीजेनरेट होने की वजह से ये हॉलो स्पेस तैयार करता है। अब देखिए यहां से न्यूक्लियस जो है बच्चों, अब देखिए ये सीव ट्यूब है और इसमें से न्यूक्लियस जो है वो नष्ट हो गए, और न्यूक्लियस नष्ट होने की वजह से वहां पे एक हॉलो स्पेस बनती है जिसकी वजह से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। फ्लोएम जो है प्लांट के अंदर फ्लूइड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह की जगह पे, और इसीलिए सीव ट्यूब जो होते हैं फ्लोएम के, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और बाकी सभी सेल ऑर्गन्स जो है इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने न्यूक्लियस इस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो है इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर एक एक वीडियो जो है आपके जो है इसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।